ये आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 10,30,000 एक्स शोरूम के प्राइस में। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं CG04 कार्स। और भाई आज के वीडियो में अपने पास है नेक्सा सियाज, मतलब मारुति सुजुकी सियाज भी बोल सकते हैं अपन। और भाई SUV के ज़माने में लोग सिडान को धीरे धीरे जो है भूलते जा रहे हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सियाज है भाई मार्केट में आज भी अपने दम पे एक क्या बोल सकते हैं, अगर इसके और जाएं तो एक लीडिंग गाड़ी बन जाती है। वो कैसे, वो आज के वीडियो में पूरा टोटल रिव्यू करने वाला हूँ। ये अपने पास जटा वेरिएंट और बेस वेरिएंट से ही काफ़ी ऐसे वैल्यू फॉर मनी फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह गाड़ी जो है और भी बहुत ही तगड़ा बन जाता है। ठीक, गाड़ी जो आप देखेंगे अक्सर क्या ऑफिशियल्स यूज़ करते हैं, मतलब कि सरकारी और दफ्तरों में गाड़ी जो है यूज़ होता है ज़्यादातर, और लोगों भी जो भी घर में गाड़ी देते हैं प्रॉपर जो शॉफर ड्रिवन वाला जो मज़ा आता है ना, ये गाड़ी आपके लिए प्रॉपर दे। जो लोग भी शॉफर ड्रिवन करते हैं उनके लिए ये गाड़ी परफेक्ट है भाई साहब। जो इसमें पीछे आपको स्पेस मिल जाता है, जो कंफर्ट आपको इस गाड़ी पीछे में मिल जाता है और सेगमेंट में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो ब्लैक कलर में जो निखर के आ रहा है इसका लुक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो प्रोजेक्टेड हेडलैम्प मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाएंगे, प्रॉपर जो LED सेटअप मिलेगा, DRL और क्रोम फिनिशिंग आप देख सकते हैं ग्रिल में आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको ग्रिल दिया गया यहाँ तगड़े तरीके से, और फ्रंट में कोई भी सेंसर नहीं मिलता है। यार देख सकते हैं जो रॉ लुक है ना एक्चुअल में, जो आजकल के डेट में अपन देखें तो अगर कंपेयर करूँ हुंडई के वर्ना से, तो कहीं ना कहीं उसका सामने का जो लुक है अब पूरा भाई ख़त्म कर चुका है। पहले वाले जनरेशन तक बहुत सही आता था, लेकिन आप देख सकते हैं ये गाड़ी कितनी रॉ लग रही है और कितना मस्त लग रहा है। खाली बस क्रोम फिनिशिंग और ब्लैक कलर के कलर में गाड़ी कितनी मस्त लग रही है। ठीक, अब आते हैं साइड की ओर। यहाँ पे आपको दो वाइपर के वॉशर दिए गए और रेन सेंसिंग वाइपर कुछ नहीं आता, पूरा का पूरा बेसिक है। यहाँ पे साइड प्रोफाइल की ओर आता, गाड़ी अपने लंबाई से आपको अपना दीवाना बना देगा भाई। देख सकते हैं गाड़ी में आपको कितना लंबा मिल जाता है, और करीब करीब 4500 mm तक का इसका आपको लेंथ देखने को मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ना बुरा ना अच्छा, यहाँ पे आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और चाबी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वही नहीं भाई, यहाँ पे आपको अलग से चाबी मिलता है, नेक्सा की सभी गाड़ियों से अलग ही मिलता है आप देख सकते हैं। बाकी ग्रैंड विटारा फ्रॉन्क्स वगैरह में एज यूजुअल सब सेम आता है, जिमनी तक में सेम आता है, इस गाड़ी में आपको अलग की देखने को मिल जाता है। वही टायर साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टॉप एंड में जाएंगे तो आप अल्फा प्लस में यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉयज मिल जाते हैं। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 185/65R15, मतलब 15 इंच का आपको टायर मिलेगा, सिल्वर अलॉय देखने को मिल जाएंगे। और टॉप एंड में जाएंगे तो आप इसमें आपको डायमंड कट अलॉयज मिलेगा, फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको जो है प्रॉपर ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं भाई जो है रॉक जो गाड़ी है ना उसका एक्चुअल में निकल के आता है भाई मटेरियल, जो प्रॉपर जो कोई ताम झाम नहीं कुछ नहीं भाई, जो एक्चुअल में जो गाड़ी जेन्युइन निकल के आती है ना वो रॉ गाड़ी देती है भाई फिनिशिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर ब्लैक कलर में आपको ORM मिल जाता है, और भाई ब्लैक कलर का जो एक ही डीमेरिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी साफ किए थे 5 मिनट पहले, और देख सकते हैं पूरा का पूरा धूल जो है बैठ चुका है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर यार ब्लैक कलर का ये डीमेरिट है, लेकिन जो प्रोडक्ट निकल के आता है ब्लैक कलर में वो नेक्स्ट लेवल का चीज़ आता है। ठीक, ये आपको फोल्डेबल रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा रिक्वेस्ट सेंसर देख के, यहाँ पे आपको की गाड़ी में कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। ठीक, क्रोम फिनिशिंग में ब्लैक गाड़ी के साथ कितना प्यारा लग रहा है डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं। ठीक, इंटीरियर की ओर चलेंगे बताऊंगा आपको मैं, और धीरे धीरे और आते हैं गाड़ी की ओर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर जो है इसका मज़ेदार क्या स्मार्ट हाइब्रिड, ये आप देख सकते हैं ये टेक्नोलॉजी के साथ आता है गाड़ी, और प्रॉपर जो है बेस वेरिएंट से आपको स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाड़ी जो है प्रॉपर यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा माइलेज निकाल के देती है, वो जब बात करेंगे अपन इंजन स्पेक्स की और के टाइम। अब आते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डिफ्यूजिंग फॉर्म में LED लैम्प टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको 4 रिवर्स सेंसर दिए गए, कैमरा का सेटअप वहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक, सियाज की यहाँ पे आपको प्रॉपर बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो। ठीक, बूट ओपन करने के लिए ना अगर बूट ओपन करता हूँ तो मैं देख सकते हैं प्रॉपर इसको दबाते ही बूट ये पूरा इलेक्ट्रिकली टेल गेट टाइप का रिलीज हो जाता है, लेकिन है नहीं वैसे, प्रॉपर आपको 510 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है भाई लोगों, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, काफ़ी बड़ा और काफ़ी
चौड़ा आपको देखने को मिल जाता है। जो इसका ओपनिंग पार्ट है ना, यहाँ पे आपको काफ़ी वाइडर ओपन इसका टेल बूट मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्पेयर व्हील की बात कीजिए तो सेम प्रोफाइल का मिलता है 185/65 R15, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। टेल गेट में यहाँ पे आपको पूरा कवर्ड फिनिशिंग देखने को मिलेगा नेक्सा की बैजिंग। और भाई साहब यहाँ पे एक चीज़, ठीक, पूरे गाड़ी में आप देखेंगे कोई भी शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नॉर्मल एंटीना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी में आपको यहाँ पे आपको क्या इंटीग्रेटेड विंडोज़ में आपको एंटीना देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको डिफॉगर के साथ साथ ये आपका रेडियो FM का भी एंटीना का भी काम करता है। ठीक, ये आपका क्या हाई माउंट स्टॉप लैंप नेक्सा की बैजिंग और ये आपका डिफॉगर का काम करता है। ठीक, उसी के साथ आपको रियर के कर्टेंस भी मिल जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी में आपको प्रॉपर 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा इस तरीके से कुछ, और एज सच कुछ नहीं है, दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। ठीक, चलो ये हो चुका है पार्ट, अब आते हैं धीरे धीरे गाड़ी के इंटीरियर की ओर। आपने देखा स्मोकी ब्लैक में आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं प्रॉपर तरीके से। अब गाड़ी के इंटीरियर की ओर चलें तो आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, क्या इसको ओपन किया और इसमें आपको मिल, अरे भैया कौन जा रहे हैं, ठीक है उनको छोड़ो। अब अपने को भाई ब्लैक कलर की गाड़ी में टैन कलर का प्रॉपर जो इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो खिलता है ना भाई इसके इंटीरियर टैन कलर में खिलता है ब्लैक गाड़ी के साथ। अब इसका जो है यहाँ पे आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच मिलेगा, फैब्रिक फिनिशिंग मिलेगा और यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग दिया गया है। ORVM के कंट्रोल्स, फोल्डेबल रिट्रैक्टेबल चारों विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक गाड़ी में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा मैनुअली। ठीक, ये आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ बटन, ठीक, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और यहाँ पे आपको फॉग लाइन के ऑप्शन मिल जाते हैं। हेडलैम्प के लेवलिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक, अब गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर अगर प्रॉपर दिया गया है, यहाँ पे अपन बैठते हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। और उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सीट को किए पीछे, इसको किए ऑन और गाड़ी जो है चालू हो चुका है, गाड़ी जो हो चुका है चालू। और यहाँ पे रखते हैं अपन चाबी को, अरे रुको 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 रुको, ठीक, यहाँ पे हो चुका है ऑटोमेटिक AC चालू। हाँ भाई वो अब आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में आते सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो नॉर्मल सा वो एज यूजुअल जो आता है वो ही आ रहा है अभी भी। यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स इस साइड प्रॉपर और क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं गाड़ी में। क्रोम फिनिशिंग में यहाँ पे आपको आजू बाजू जो फिनिशिंग दिया गया है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर आते हैं तो भाई अब तक के मारुति के कोई भी गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सबसे ज़्यादा मेरे को इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद आया है। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाता है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और छोटा सा जो है आपको MID मिल जाता है, जो कि सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करेगा। फ्यूल गेज यहाँ पे आपको, इंजन टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक, स्मार्ट हाइब्रिड का प्रॉपर आपको बैजिंग मिल जाता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और जो कि इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर टाइम वगैरह और प्रॉपर ड्राइविंग टाइम वगैरह देख सकते हैं। ठीक, आइडल स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे आप देख सकते हैं और टाइमिंग वगैरह प्रॉपर देख सकते हैं। मोशन जो है यहाँ पे आपको GPS वगैरह देखने को मिल जाता है गाड़ी में। ठीक, ये हो चुका है और प्रॉपर जो है मोटर से बैटरी में कितना चार्जिंग जा रहा है आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक, ये हो चुका है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प के ऑप्शन मिल जाते हैं, वाइपर के कंट्रोल्स और यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, छोटा मोटा स्पेस दिया गया है। भाई वुडन फिनिशिंग का जो कनेक्शन है ना, यहाँ तक पूरा गाड़ी में कनेक्ट किया गया है, सामने से लेके पूरा पीछे तक आपको दिया गया है। गाड़ी में आपको दो एयरबैग ऑप्शन मिलता है और आपको मैनुअली IRVM का ऑप्शन मिलेगा। टॉप एंड में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और स्मार्ट प्रो फीचर के साथ आता है। टॉप एंड में जाएंगे तो आपको स्मार्ट प्रो प्लस का ऑप्शन मिलेगा, वही सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सबसे बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। यार ये पैनल का जो फिनिशिंग है ना भाई, चुम्मे स्वर भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। देख सकते हैं 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्या प्रॉपर जो है मर्सिडीज वाला, इसको कर देते हैं अपन बंद थोड़ा सा ऑफ, और यहाँ पे आपको जो प्रॉपर मर्सिडीज वाला फीलिंग आ जाता है भाई साहब। ये जो फिनिशिंग, ये कवर्ड वाला आपको मर्सिडीज या लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों में देखने को ज़्यादातर मिलता है। ठीक, इसके अंदर बात करें तो 12V का चार्जिंग सॉकेट और USB सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे आपको, और उसके साथ ऑक्स वगैरह जो भी इनपुट करना है दिया गया है, छोटा मोटा स्पेस और प्रॉपर एंटी स्लिप वाला आपको पैड मिल जाता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह दिया गया है। ठीक, ये हो चुका है और टिक टॉक यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप, ये प्रॉपर AC के वेंट्स, साटन फिनिशिंग, सिल्वर फिनिशिंग में बोल सकते हैं दिया गया है। भाई ज़्यादा ना तामझाम, ना ज़्यादा ना कुछ, बेसिक जो नीडेड फीचर्स आपको गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं और जो कि गाड़ी बहुत ही वैल्यू फॉर प्राइस मनी के साथ निकल के आती है। ठीक, यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्लव बॉक्स दिया गया, ना ज़्यादा ना कम, डिसेंट साइज का दिया गया, नो कूल ग्लव आपको मिल जाता है।
ग्लव बॉक्स देखा आपने। अब आते हैं भाई गाड़ी में आपको प्रॉपर आर्मरेस मिलता है, वो भी बेस वेरिएंट से यार। यहाँ पे आपको हैंडबैग का ऑप्शन, यहाँ पे आपको छोटा छोटा मोटा स्पेस दिया, ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन ये भाई बहुत ही मायने रखता है कि आपको बेस वेरिएंट से जो आर्मरेस देखने को मिल जाता है। ठीक, ये अपना 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और आपको प्रॉपर जो है मैट फिनिशिंग में प्लास्टिक का यहाँ पे आपको फिनिशिंग दिया गया है। अब आते हैं गाड़ी में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, टिकट होल्डर खाली मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक, नाइट लैंप की ओर आऊँ तो यहाँ पे आपको हेलोजन मिलेगा, प्रॉपर जो है ग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। भाई ये आजकल की गाड़ियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कि सियाज में आपको मिल जाता है गाड़ी में। ठीक, ये आपको नाइट लैंप जो है उस साइड मिलेगा और इस साइड मिलेगा रियर में। ठीक, ये हो चुका है गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के रियर की ओर, जो असली मजा है ना भाई, यहाँ पीछे बैठ के आता। अगर आपका गाड़ी का सॉफ्टवेयर ड्रिवन करते हैं ज्यादातर, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही परफेक्ट निकल के आती है। ठीक, अब चलते हैं रियर की ओर, गाड़ी को थोड़ा करते हैं बंद। यहाँ पे आपको 2650 mm का व्हील बेस गाड़ी में मिलता है, जिसकी वजह से आपको जो है क्या बहुत ही कंफर्ट राइडिंग मिलता है भाई साहब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थाई सपोर्ट है यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है, और जो लेग स्पेस है भाई वो नेक्स्ट लेवल चीज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक, एसी वेंट्स और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया, छोटा मोटा स्पेस देगा, बस रियर में आपको एक यूएसबी सॉकेट देना था भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है और रियर की ओर। ठीक, हेलोजन लैंप, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री सीटिंग, आर्मरेस्ट वगैरह, दो हेडरेस्ट, और यहाँ पे आपको कर्टेंस दिए गए हैं रियर में, ये आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 10,30,000 एक्स शोरूम के प्राइस में। ठीक, प्रॉपर आपको दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन स्पेक्स की ओर। ठीक, गाड़ी में आपको मिलेगा, ये वो करते हैं बंद, अब इसको करते हैं ओपन, जो मारुति का शानदार बरसों से चला आ रहा है वो दमदार इंजन, और जो कि आपको मिलता है 1.5 लीटर का, और ये निकालता है 103 bhp और 138 nm का टॉर्क। ABS CVT का किट वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाता है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का पिक 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 जो करता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और बोनट में जो प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये रहा गाड़ी, कैसी लगी आपको 10,30,000 में गाड़ी, और SUV के भाव में आपको एक लग्जरी सेडान देखने को मिलती है, सियाज जैसी कंफर्टेबल गाड़ी आपको मिल जाती है। ठीक है गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।